वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जो यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पबजी मोबाइल ग्लोबल। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंडिया में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 18 जून को लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे इसे डाउनलोड करके खेल रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी पबजी मोबाइल ग्लोबल को डाउनलोड करके खेल रहे हैं। तो पबजी मोबाइल ग्लोबल में एक प्रॉब्लम आ रही है, यूआर डाटा माइग्रेट, जो ये प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा और इस वीडियो को, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सारा डिटेल इस वीडियो में आज आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले पर क्लिक करके आल वाले पर क्लिक कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पबजी मोबाइल ग्लोबल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं तो चेक वेरीफाई इंस्टॉलेशन पैकेज आता है। ये जब तक ओपन होता है, मैं आपको बता दें एक बात और, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया 18 जून को लॉन्च हो गया। बहुत सारे लोग इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, अभी तक पबजी KR को डाउनलोड करके खेल रहे हैं और ग्लोबल खेल रहे हैं। तो भाई यार, जाइए, बैटल ग्राउंड आ चुका है प्ले स्टोर पर, जाइए डाउनलोड कीजिए, बैटल ग्राउंड को सपोर्ट कीजिए, खेलिए, ठीक है। बैटल ग्राउंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए, जब हम आपको आगे बताते हैं, ये ओपन होने वाला है, कंप्लीट रिसोर्स हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये आ जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जब फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, योर अकाउंट डाटा इन हैज़ माइग्रेटेड। ये जो प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, हम पहले मैं आपको बता दें। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, जो लोग बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया डाउनलोड कर लिए हैं और अपना डाटा ट्रांसफ़र कर लिए हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। सोच रहे हैं मोबाइल ग्लोबल फिर डाउनलोड करने खेले, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ होगा। अगर आपको ग्लोबल खेलना है तो आपको भाई क्या कहते हैं, दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी, फेसबुक दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी, या आप ट्विटर से, या आप गेस्ट से, या आप अदर अकाउंट से लॉगिन करेंगे। जिस अकाउंट से, यानी कि आप जिस फेसबुक आईडी से आप बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉगिन किए हैं, खेल रहे हैं, उस अकाउंट से आप दोबारा ग्लोबल नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी तो ओपन नहीं होगा। तो आप इस तरह ये कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे चलिए हम लॉगिन का बताते हैं। लॉगिन जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हम या तो ट्विटर वाले पे करेंगे, या मोर वाले पे क्लिक करके प्ले गेम, या गेस्ट वाले पे, या ईमेल फ़ोन नंबर डाल के फिर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गेस्ट वाले पर क्लिक किए हैं, यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम आपको आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ओपन होगा आपके सामने, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये किए हैं, थोड़ा सा लोडिंग का ऑप्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। तो भाई यार, बैटल ग्राउंड जाइए, डाउनलोड कीजिए यार, खेलिए। और तो यहाँ पे चलिए भी ये हो जाता है आपके सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी लॉगिन नहीं हुआ, तो फिर से लॉगिन वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन या ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हैं, या आप गेस्ट वाले पे क्लिक करके क्यों नया आईडी बना सकते हैं, या प्ले गेम वाले पे। तो यहाँ पे हम गेस्ट वाले पे क्लिक करेंगे, फिर आगे हम आगे आपको प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे आप ट्विटर से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फेसबुक का दूसरा आईडी बना के आप लॉगिन कर सकते हैं। बट जिस आईडी से आप बैटल ग्राउंड लॉगिन कर चुके हैं, अब उस आईडी से आप ग्लोबल लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे गेस्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ से लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे तो सेम प्रोसेस होता है जो पहले आप करते थे, सेम आप आपको यहाँ पे एशिया वाले पे कंटिन्यू, यहाँ पे अपना क्रिएट करना होता है अकाउंट, सारा डिटेल आपको सब पता है। तो यहाँ पे सब कुछ हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना नाम डाल लेते हैं, तो यहाँ पे चलिए हम अपना नाम कुछ भी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इस अकाउंट में खेलना तो है नहीं, तो हम बैटल ग्राउंड खेल रहे हैं। तो बस ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, जो ग्लोबल खेलना चाह रहे हैं ये वीडियो उनके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हम अपना नाम फटाफट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर तो चलिए इसे करते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि नाम किसी ने बनाया है, तो चलिए हम दूसरा नाम सर्च करते हैं यहाँ पे, फिर डाल देते हैं आगे, हम कुछ और डाल देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फोर यहाँ पे देखते हैं, पहले ये स्पेस होता है कि नहीं, नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो हम फिर से कुछ नाम डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से नाम डाल देते हैं, यहाँ पर कुछ कोई और संख्या ले लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं फिर से कि भाई क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है, ये स्पेस जो दे रहे हैं नहीं हो रहा है। तो चलिए हम ये यहाँ पे कुछ संख्या और बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 2 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम बढ़ा दिए, तो यहाँ पे क्रिएट वाले पे जैसे क्लिक करते हैं, ये हो गया। तो चलिए ये हम यहाँ पे आपको ये प्रोसेस तो आप बहुत सारे लोग कर सकते हैं, जो पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं तो वो लोग भाई इसे देख के सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम ये ओपन हो चुका है।
तो भाई बस मेरा कहने का यही मतलब था कि जो भाई इस प्रॉब्लम से परेशान है, ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी इसी तरह सॉल्व होगा। आपको या तो दूसरी आईडी बनानी होगी, या आप ट्विटर से लॉगिन करेंगे या करेंगे जी। अगर आप जिस आईडी से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉगिन कर लिए हैं, उस आईडी से आप दोबारा यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की हम आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।